पांच स्मार्टफोन है अपने पास 18 से 24 हज़ार रुपए प्राइस रेंज का। आज हम इन पांचों स्मार्टफोन का एक्सट्रीम कंडीशन में एक्सट्रीम यूजेज पे बैटरी बैकअप चेक करेंगे। ऐसे कंडीशन में कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा गर्म होता है ये भी देखना है, किसका परफॉर्मेंस ज्यादा तगड़ा देखने को मिलता है एंड कौन ज्यादा स्टेबल परफॉर्म करता है। गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना। सैमसंग M34 में मिल जाएगा सैमसंग का एक्सिनोस 1280 चिपसेट, लावा अग्निटू, और रियलमी 11 प्रो में मिल जाएगा डेमेसिटी 7050 चिपसेट। टेक्नो कैमन 20 प्रो को पावर दिया डेमेसिटी 8050 चिपसेट ने एंड पोको X5 प्रो में मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 778G। सारे स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 13 बेस्ड ओएस रन कर रहा है सैमसंग M34, रियलमी 11 प्रो और पोको X5 प्रो में। जून का सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा लावा अग्निटू और टेक्नो कैमन 20 प्रो में मेगा। पोको X5 प्रो में कल ही एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया जिसके साथ लेटेस्ट जून का सिक्योरिटी पैच मिला एंड टेक्नो कैमन 20 प्रो को ये वीडियो शूट करने के बाद एक सॉफ्टवेयर अपडेट मिला है। सारे स्मार्टफोन में एक बात कॉमन है 120Hz AMOLED डिस्प्ले। बैटरी का साइज Realme 11 Pro, Tecno Camon 20 Pro एंड Poco X5 Pro में सेम है 5000 mAh, Lava Agni 2 में थोड़ा सा कम है 4700 mAh एंड Samsung M34 में थोड़ा ज्यादा है 6000 mAh। बॉडी टेम्परेचर आप लोग को इन सारे स्मार्टफोन का दिखाना भूल गया। Samsung M34 का बॉडी टेम्परेचर 32 डिग्री के आसपास है, Lava Agni 2 32 डिग्री, Realme 11 Pro 33 डिग्री, Tecno Camon 20 Pro 33 डिग्री एंड Poco X5 Pro का भी मोरले सेम 33 डिग्री के आसपास दिख रहा है टेम्परेचर। बैटरी मैंने सबका फुल कर दिया है, किसी तरह किसी भी स्मार्टफोन में पावर सेविंग मोड या पावर बूस्ट मोड मैंने ऑन नहीं किया है। सारा स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, सारे ऐप्स को मैंने बैकग्राउंड से हटा दिया है एंड ब्राइटनेस सारे डिवाइस का 50% के आसपास है। सबसे पहले हम Geekbench 6 टेस्ट रन करेंगे दो राउंड, पहले राउंड एंड दूसरे राउंड के स्कोर को हम कंपेयर करके देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा स्टेबल दिखता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और ऐसे कंटेंट अगर आपको देखने में मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हो। ये आ गया Geekbench 6 राउंड 1 का स्कोर। सिंगल कोर का स्कोर सबसे ज्यादा देख रहे हैं टेक्नो कैमन 20 प्रो का, Realme 11 Pro, Lava Agni 2 एंड Samsung M34 का सिंगल कोर का स्कोर सेम ही दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम, एंड सबसे कम आया Poco X5 Pro का। नाउ मल्टी कोर का स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है अगेन टेक्नो कैमन 20 प्रो का, उसके बाद Poco X5 Pro का। Lava Agni 2 का Realme 11 Pro से मल्टी कोर का स्कोर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है एंड सबसे कम दिख रहा है Samsung का। राउंड 1 का स्कोर हमने नोट कर लिया, चले देखते हैं राउंड 2 में क्या होता है। गाइस स्टॉप वॉच में कुछ गड़बड़ हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ। वैसे टाइम मैंने नोट कर लिया था 8:55 में हमने टेस्ट स्टार्ट किया था। ये आ गया Geekbench 6 राउंड 2 का स्कोर। Samsung M34 का सिंगल एंड मल्टी कोर दोनों स्कोर थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। Lava Agni 2 का सिंगल कोर का स्कोर सेम ही दिख रहा है बट मल्टी कोर का स्कोर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है लास्ट टाइम से। Realme 11 Pro का सिंगल कोर का स्कोर थोड़ा सा बड़ा है एंड मल्टी कोर का स्कोर थोड़ा सा कमाया लास्ट टाइम से। Tecno Camon 20 Pro का सिंगल कोर का स्कोर थोड़ा कमाया लास्ट टाइम से एंड मल्टी कोर का स्कोर भी थोड़ा कम आया। नाउ Poco का स्कोर सिंगल कोर का थोड़ा सा एंड मल्टी कोर का थोड़ा सा कम हो गया लास्ट टाइम से। Geekbench टेस्ट में सारे स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस स्टेबल दिखा, चलिए थोड़ा और लोड डालते हैं एंड टू टेस्ट रन करके देखते हैं। 35-40 मिनट के एक्सट्रीम टेस्टिंग के बाद Samsung M34 का बॉडी टेम्परेचर 32 से 42 डिग्री के आसपास दिख रहा है, 10 डिग्री टेम्परेचर का बढ़ गया। Lava Agni 2 भी 32 के आसपास था, 41 डिग्री इसका मैक्सिमम टेम्परेचर दिखा, यानी 9 डिग्री टेम्परेचर में बढ़ा है। Realme 11 Pro 33 डिग्री के आसपास था, 44 डिग्री के आसपास दिख रहा है, 11 डिग्री टेम्परेचर इसमें इंक्रीज हुआ है। Tecno Camon 20 Pro थोड़ा ज़्यादा गर्म होने वाला स्मार्टफोन, इसका भी बॉडी टेम्परेचर 33 डिग्री के आसपास था एंड मैक्सिमम इसमें भी टेम्परेचर दिखा 44 डिग्री। एंड Poco की बात करूँ तो 33 डिग्री के आसपास था ये एंड अभी मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें 39 डिग्री दिखा, यानी ओनली 6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है। नाउ ये आ गया Antutu स्कोर पहले राउंड का अपने पास। Antutu स्कोर सबसे तगड़ा परफॉर्मेंस वाला Tecno Camon 20 Pro का सबसे ज़्यादा दिख रहा है 6,42,000 के आसपास, फिर Realme 11 Pro का 5,18,000 के आसपास, उससे थोड़ा कम Lava Agni 2 सेम प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन का 5,17,000 के आसपास, फिर Poco X5 Pro का 5,11,000 एंड सबसे कम Samsung M34 का 4,27,000। CPU स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है Poco X5 Pro का Tecno Camon 20 Pro से भी ज्यादा, दूसरे नंबर पे है Tecno Camon 20 Pro, तीसरे नंबर पे Lava और Realme 11 Pro दोनों ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है एंड चौथे नंबर पे Samsung M34। बट GPU स्कोर सबसे तगड़ा दिख रहा है Tecno Camon 20 Pro का, उसके बाद Poco X5 Pro। Lava Agni 2 का GPU स्कोर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है Realme 11 Pro से एंड सबसे कम दिख रहा है Samsung M34 का। मेमोरी मैनेजमेंट का स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है Tecno Camon 20 Pro का, उसके बाद Realme 11 Pro का, उसके बाद Lava Agni 2 का। यूजर एक्सपीरियंस का स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है Lava Agni 2 का, उसके बाद Realme 11 Pro का, तीसरे नंबर पे Tecno Camon 20 Pro, चौथे नंबर पे Poco
पांचवें नंबर पे सैमसंग। बॉडी टेम्परेचर तो हमने नोट कर लिया, चले आप लोगों को सीपीयू टेम्परेचर भी दिखा देता हूँ सारे स्मार्टफोन का। सबसे स्टेबल एंड सबसे कूल दिख रहा है पोको X5 प्रो 40-41 डिग्री के बीच। सैमसंग एक्सिनोस का टेम्परेचर भी कम दिख रहा है बट ये फ्लक्चुएट कर रहा है 38-45 डिग्री के बीच। नाउ तीनों डिमेंसिटी प्रोसेसर वाले फोन की अगर बात करूं तो तीनों का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा भी दिख रहा है और तीनों बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट भी कर रहा है। लावा में 50 डिग्री मैक्स दिखा टेम्परेचर, रियलमी 11 प्रो में 56 और सबसे ज्यादा गर्म दिख रहा है टेक्नो कैमन 20 प्रो 57 से 70 डिग्री इसका मैक्सिमम टेम्परेचर दिखा। दो बार गीक बेंच और एक बार एंड्रॉइड टेस्ट रन करने के बाद सैमसंग M34 में 4% बैटरी ड्रॉप हुआ है, 96 पे दिख रहा है। लावा अग्नि 2 93 पे दिख रहा है, 92 पे दिख रहा है रियलमी 11 प्रो, 93 पे टेक्नो कैमन 20 प्रो और पोको X5 प्रो 97 पे। चलो एंड्रॉइड टेस्ट राउंड 2 रन करके देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा स्टेबल दिखता है, किस पे टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलता है एंड किस में बैटरी ड्रॉप ज्यादा होता है। गाइस कुछ एक घंटे के बाद अगर टेम्परेचर की बात करें, हीटिंग की बात करें तो सबसे कम गर्म हुआ है पोको X5 प्रो, उसके बाद लावा अग्नि 2, सबसे ज्यादा गर्म हुआ है टेक्नो कैमन 20 प्रो, चाहे वो बॉडी टेम्परेचर हो या फिर सीपीयू टेम्परेचर, दोनों सबसे ज्यादा देखने को मिला कैमन 20 प्रो में। एंड गाइस स्कोर भी सबसे ज्यादा स्कोर इस बार भी देखने को मिल रहा है टेक्नो कैमन 20 प्रो में। सैमसंग M34 के लास्ट टाइम से अगर स्कोर को कंपेयर करें तो इस बार 3300 के करीब स्कोर कम आया लास्ट टाइम से। लावा अग्नि 2 एंड रियलमी 11 प्रो यानी डिमेंसिटी 7050 चिपसेट वाले फोन की अगर बात करूं तो दोनों का स्कोर एकदम सिमिलर आया, सेम दिख रहा है। टेक्नो कैमन 20 प्रो का स्कोर भी ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ लास्ट टाइम से 2400-2500, इस बार स्कोर कम आया। बट पोको X5 प्रो ने जंप किया है एंड इस बार 5000 स्कोर लास्ट टाइम से ज्यादा दिख रहा है। अभी तक सारा स्मार्टफोन बढ़िया दिख रहा है, चलिए अब थोड़ा और लोड डालते हैं 15 मिनट 50 थ्रेड्स का सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट रन करके देखते हैं। एक घंटा 5 मिनट 10 मिनट हो चुका है सारे स्मार्टफोन पे ऑलरेडी हमने लोड डाल दिया है। चलिए टेम्परेचर आप लोगों को फिर से एक बार दिखा देता हूँ। सैमसंग M34 42 डिग्री के आसपास था अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी टेम्परेचर थोड़ा और ज्यादा दिख रहा है 46 डिग्री। लावा अग्नि 2 थोड़ा बेटर दिख रहा है। सीपीयू टेम्परेचर तीनों डोमेस्टिक प्रोसेसर वाले फोन में सबसे कम दिखा था एंड बॉडी टेम्परेचर अभी मैक्सिमम दिखा 43 डिग्री। रियलमी 11 प्रो का सीपीयू टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा दिखा था लावा अग्नि 2 से एंड बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा दिख रहा है 45 डिग्री। सीपीयू टेम्परेचर सबसे ज्यादा दिखा था टेक्नो कैमन 20 प्रो का एंड बॉडी टेम्परेचर भी, बट अब इसने टेम्परेचर को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया है। मैक्सिमम टेम्परेचर अभी दिख रहा है टेक्नो कैमन 20 प्रो में 43 डिग्री, बट इसमें थ्रॉटलिंग आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब पोको की बात करूं तो पोको भी थोड़ा ज्यादा गर्म हो चुका है, 46 डिग्री इसका मैक्सिमम टेम्परेचर दिख रहा है। ये आ गया 15 मिनट 50 थ्रेड्स का रिजल्ट। सबसे कम थ्रॉटलिंग हुआ है रियलमी 11 प्रो में 82%, उसके बाद पोको X5 प्रो में 81%, उसके बाद सैमसंग M34 में 78%। दोनों स्मार्टफोन जिसने टेम्परेचर को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखा, लावा अग्नि 2 एंड टेक्नो कैमन 20 प्रो, दोनों स्मार्टफोन में थ्रॉटलिंग थोड़ा ज्यादा हुआ 61%, एक्चुअली बहुत ज्यादा हुआ। नाउ परफॉर्मेंस की बात करो तो मैक्स परफॉर्मेंस दिख रहा है पोको X5 प्रो का, उसके बाद टेक्नो कैमन 20 प्रो का। रियलमी 11 प्रो का मैक्स परफॉर्मेंस तीसरे नंबर पे दिख रहा है, उसके बाद लावा अग्नि 2। एवरेज परफॉर्मेंस भी सबसे ज्यादा दिख रहा है पोको X5 प्रो का, उसके बाद रियलमी 11 प्रो, टेक्नो कैमन 20 प्रो तीसरे नंबर पे। अब गई सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट राउंड 2, देखते हैं इस बार क्या होता है 30 मिनट 100 थ्रेड्स का। रिजल्ट आ गया है, इस बार सबसे स्टेबल दिख रहा है अगेन रियलमी 11 प्रो, लास्ट टाइम से भी थोड़ा बेटर दिख रहा है। उसके बाद सैमसंग M34 82%, अगेन सैमसंग भी लास्ट टाइम से बेटर दिख रहा है। एंड तीसरे नंबर पे पोको X5 प्रो सेम दिख रहा है, लास्ट टाइम भी 81% आया था, इस बार भी 81%। लावा अग्नि 2 में इस बार भी थ्रॉटलिंग थोड़ा ज्यादा हुआ है, लेकिन लास्ट टाइम से ये बेटर दिख रहा है 76%। इस बार फिर से सबसे ज्यादा थ्रॉटलिंग देखने को मिला टेक्नो कैमन 20 प्रो में, बट लास्ट टाइम से थोड़ा बेटर दिख रहा है, लास्ट टाइम 61 एंड इस बार 66। नाउ परफॉर्मेंस की अगर बात करो तो इस बार भी सबसे ज्यादा मैक्स परफॉर्मेंस दिख रहा है पोको X5 प्रो का। पोको का जो एवरेज परफॉर्मेंस है ना, वो टेक्नो कैमन 20 प्रो के मैक्स परफॉर्मेंस से ज्यादा दिख रहा है। तीसरे नंबर पे रियलमी, चौथे नंबर पे लावा, सबसे कम सैमसंग। सैमसंग M34 का एंड्रॉइड स्कोर, गीकबेंच स्कोर, सीपीयू थ्रॉटलिंग में परफॉर्मेंस सब कुछ सबसे कम दिखा, बट सारे टेस्ट में परफॉर्मेंस स्टेबल दिखा, थ्रॉटलिंग भी कम हुआ सैमसंग M34 में। फोन बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं हुआ, बट एंड में थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिला 46 डिग्री के आसपास, लेकिन सीपीयू टेम्परेचर कंट्रोल में दिखा। सैमसंग नॉर्मल कंडीशन में ज्यादा गर्म नहीं होता, बट एक्सट्रीम कंडीशन में थोड़ा गर्म हो सकता है। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा नहीं है, बट कैजुअल गेमिंग एंड डेली यूज के लिए ये स्मार्टफोन आप ले सकते हो। नाउ तो सेम चिपसेट वाले लावा अग्नि 2 एंड रियलमी 11 प्रो की बात करें तो एंड्रॉइड स्कोर, गीकबेंच स्कोर दोनों स्मार्टफोन का ऑलमोस्ट सेम दिखा,
परफॉर्मेंस दोनों स्मार्टफोन का स्टेबल दिखा, इन दोनों बहुत सिमिलर दिखा, बट सीपीयू थ्रॉलिंग टेस्ट में रियलमी 9 प्रो लावा अग्नि 2 से मच बेटर दिखा। अगर आपका बजट 22-23 हज़ार रुपए एंड आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो लावा अग्नि 2 एंड रियलमी 9 प्रो से आपको बेटर ऑप्शन मिल सकता है, गेमिंग के लिए बेटर डिवाइस मिल सकता है, बट इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस आपको रियलमी 11 प्रो में मिलेगा। लावा अग्नि 2 में आपको ज्यादा थ्रॉलिंग देखने को मिल सकता है। एक्सट्रीम कंडीशन में एक्सट्रीम यूजेज पे लावा अग्नि 2 में टेम्परेचर भी आपको कम देखने को मिलेगा और ऐसे सिचुएशन में आपको बैटरी ड्रॉप भी लावा अग्नि 2 में थोड़ा कम देखने को मिलेगा। पोको एक्स 5 प्रो की अगर बात करूं तो एंटूटू और गिगबी स्कोर इसका लावा अग्नि 2, रियलमी 9 प्रो और टेक्नो कैमन 20 प्रो से कम दिखा, बट सीपीयू थ्रॉलिंग टेस्ट में इसका मैक्स एंड एवरेज परफॉर्मेंस सबसे तगड़ा दिखा। थ्रॉलिंग टेस्ट में ये पास हुआ, सीपीयू टेम्परेचर भी इसका कंट्रोल में दिखा, लेकिन बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा दिखा एक्सट्रीम कंडीशन में। बैटरी बैकअप भी इसका अच्छा है, एक्सट्रीम कंडीशन में बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन भी नहीं होता है। नाउ डिमेंसिटी 8050 चिपसेट वाला टेक्नो कैमन 20 प्रो एंटूटू और गिगबेंच टेस्ट में सबसे तगड़ा स्कोर दिखा टेक्नो कैमन 20 प्रो का, बट सीपीयू थ्रॉलिंग टेस्ट में पोको ने इसको बीट कर दिया। मैक्स एंड एवरेज परफॉर्मेंस दोनों ज्यादा आया पोको एक्स 5 प्रो का। टेक्नो कैमन 20 प्रो का बॉडी टेम्परेचर भी ज्यादा दिखा 46 डिग्री के आसपास और सीपीयू टेम्परेचर सबसे ज्यादा दिखा 73 डिग्री मैक्सिमम। थ्रॉलिंग भी सबसे ज्यादा देखने को मिला टेक्नो कैमन 20 प्रो में और बैटरी ड्रेन भी सबसे ज्यादा हुआ टेक्नो में। कैमन 20 प्रो में एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया, अपडेट करने के बाद देखते हैं इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए आईफोन अनबॉक्स।